सो ही व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू इन द वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सर्च करने जा रहे हैं फ्री फायर के ओल्ड प्लेयर्स की यूआईडी इन 2021। और गाइस, आज की वीडियो बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं 2017 का गेमिंग विद राहिम वर्सेस 2021 का गेमिंग विद राहिम। तो गाइस, आप में से बहुत सारे बंदों को ये बात भी नहीं पता होगी, मैं 2017 में फ्री फायर की लाइव स्ट्रीम करता था, लेकिन अभी वो सारे लाइव स्ट्रीम यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है, वो सिर्फ मेरे पास है। तो आज की इस वीडियो के अंदर गाइस, मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं अपना 2017 का गेम प्ले वर्सेस 2021 का गेम प्ले। तो गाइस, आप लोग क्या 2017 में मेरा गेम प्ले कैसा होगा, गाइस आप लोग देखते जाना, क्योंकि आप लोग देने में बहुत ज्यादा मजा आएगा कि उस टाइम पे यार मेरा गेम प्ले कैसा था। और मेरे साथ साथ गाइस, हम और भी पुराने प्लेयर्स की यूआईडी सर्च करने वाले हैं 2021 के अंदर, और देखने वाले हैं कि अभी के टाइम में उनके पास रेड क्रिमिनल बंडल, हिप हॉप बंडल, सकुरा बंडल या फिर कोई रेयर बंडल है। और मैं आपको पहले बता दूं, 2017 में किसी भी प्लेयर का आप लोग देखने बाद ये नहीं बोल सकते वो 2021 के अंदर कैसा होने वाला है, क्योंकि जो भी प्लेयर 2017 में नूब थे, अभी आपको उनके पास ऐसे ऐसे रेयर बंडल देखने को मिलेंगे जो कि आप लोग सोचोगे यार फ्री फायर में आए कब थे, लाइक हिप हॉप बंडल, क्रिमिनल बंडल। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ज्यादा मजेदार होने वाली है, आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। और इसके बाद अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑलवेज सेट कर देना, क्योंकि यार हम लोग बहुत ही क्लोज आ चुके 1.1 मिलियन सब्सक्राइबर के। तो देखते हैं यार आज की वीडियो में आप लोग कंप्लीट करा पाओगे, इसके लिए आपको बस एक सब्सक्राइब का बटन दबाना है। और गाइस, वीडियो के लास्ट में आप लोगों को दो ऐसी आईडी दिखाने वाला हूं जिसको देखने बाद आप लोग बिल्कुल ही शॉक होने वाले हो, तो आप लोग उसे बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि वो आईडी इस वीडियो के बेस्ट आईडी होने वाली है। अभी तो बोल रहा हूं, आप लोग वीडियो को एंड तक पूरा देखना, जोर-जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अपने इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं माय फर्स्ट आईडी के साथ। और फर्स्ट आईडी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, जिस बंदे की लाइव स्ट्रीम से मैंने ये सारे पार्ट लिए हैं, आप लोग बोलते हैं यार उसकी भी आईडी हम लोगों को देखनी है, तो आप लोग टेंशन मत लो, आज की वीडियो के अंदर उसकी भी आईडी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे फर्स्ट प्लेयर के बारे में। तो गाइस, यहां पर आप लोग हमारा फर्स्ट प्लेयर देख सकते हो, इस बंदे की आईडी हम लोग जैसे ओपन करते हैं तो गाइस यहां पर आप लोगों को देखने मिलेगा इस बंदे का हो चुका है 71 लेवल, और इस बंदे ने कंप्लीट कर लिया 18,000 लाइक। और गाइस, जैसे आप लोग इसके ड्रेस देखते हो, यहां पर आप लोग देखने मिलेगा ब्लैक वाला टी शर्ट, उसके बाद ये जो शॉर्ट्स है ये बहुत रेयर है, और इस बंदे ने जो बाल लगा रखे हैं गाइस, मेरे फेवरेट बाल हैं। आप लोग बताना ये वाले बाल आप लोग कैसे लगते हैं, वैसे यार इसका ड्रेस कॉम्बिनेशन भी काफी बढ़िया लग रहा है, आप लोग बताओ आप लोगों का ये ड्रेस कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है। और इस बंदे के पास ड्रैको है जो कि फुली मैक्स है, यहाँ पर बैजेस भी आप लोग देख सकते हैं, इस बंदे ने खाली 3 एलाइट पास लिए हैं, बाकी सब छोड़ दिए। आप लोग जिस पर एविटर देख रहे हो गाइस, वो है सीजन 5 के एलाइट पास का एविटर, मतलब इस बार सीजन 5 का एलाइट पास भी होगा। इस बंदे के सामने से प्रोफाइल बहुत अच्छा है, लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं इस बंदे के स्टैट कैसे है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्वाड की। स्क्वाड में आप लोग देख सकते हो 4.8 का केडी रेट, 41% हेडशॉट रेट, 3 का केडी रेट, 28% हेडशॉट रेट, सोलो में 2.5 का केडी रेट, 37% हेडशॉट रेट, क्लैश स्क्वाड में 65% विन रेट, 52% हेडशॉट रेट, और इस सीजन में 60% हेडशॉट रेट, 61% विन रेट। आप लोग बताओ आप लोग इस बंदे की आईडी कैसी लगी, और आप लोग बताना इसकी आईडी में कितना चेंज आया उस टाइम से। वैसे अगर इस बंदे की जगह आप होते तो गाइस आप लोग 2017 में कौन सा लाइट पास लेते। तो गाइस, जब भी हम लोग का मैच खत्म होता है तो ऊपर की तरफ में हम लोगों को एक यूआईडी देखने को मिलती है, जो बंदा मैच को खेल रहा होता है उसकी यूआईडी लिखी हुई आ जाती है। जो बंदा उस टाइम पे लाइव स्ट्रीम कर रहा था तो गाइस उसकी आईडी हमें मिल चुकी है। तो गाइस इसकी आईडी हम लोग सर्च करते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये बंदा 22 दिन से गेम में ऑफलाइन है। आप लोग देख सकते हो गाइस, ये बंदा बहुत ही पुराना फ्री फायर का प्लेयर है, उसके साथ स्ट्रीमर भी है, लेकिन आप लोग देख सकते हो गाइस इस बंदे ने गेम को खेलना बहुत ही कम कर दिया। तो गाइस बात कर ले इस बंदे के प्रोफाइल की, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसका जो एविटर है गाइस वो है सीजन 3 के लाइट पास का एविटर, बैनर है सीजन 2 के लाइट पास का। इस बंदे का हो चुका है 65 लेवल और 7000 लाइक, क्योंकि ये बंदा अभी गेम को बहुत ही कम खेल रहा है, बहुत ही ज्यादा इनएक्टिव रहता है गेम में। गाइस बात कर ले इस बंदे के ड्रेस की, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसके पास है हिप हॉप बंडल, उसके साथ में सकुरा बंडल, जहां तक मुझे पता है इस बंदे का सीजन 1 से लेकर 18 तक के सारे पुराने लाइट पास है। हालांकि इस बंदे ने फ्री फायर को अभी खेलना बहुत कम कर दिया है, लेकिन पहले ये बंदा फ्री फायर में बहुत ही एक्टिव रहता था, सारे लाइट पास लेता था। यार ऐसी आईडी गाइस अगर आप लोगों के पास होती है तो क्या आप लोग चाहकर भी फ्री फायर को कभी क्विट कर पाते, यार मैं तो कभी नहीं कर पाता। बात कर ले इस बंदे के स्टैट की, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो स्क्वाड में 3.3 का केडी रेट, 63% हेडशॉट रेट, 2 में 3.1 का केडी रेट, 64% हेडशॉट रेट, और सोलो में 2.6 का केडी रेट, 66% हेडशॉट रेट, और क्लैश स्क्वाड में 67% विन रेट, 80% हेडशॉट रेट, और इस सीजन में 81% विन रेट, 85% हेडशॉट रेट। तो ये देख के आप लोग पता लगा सकते हो इस बंदे का गेम प्ले भी कितना अच्छा होगा, रैंक में 60+ हेडशॉट रेट था और क्लैश स्क्वाड में 80+ हेडशॉट रेट। तो गाइस आप लोग बताओ आप लोग इस बंदे की आईडी कैसे लगी। अभी हम बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट आईडी की ओर। गाइस अभी बारी आती है एक ऐसे बंदे की जो कि 2017 में इतना नूब था, लेकिन 2021 में आप लोग देखना ये बंदा कितना चेंज हो गया। जिस टाइम मैं इसकी आईडी सर्च कर रहा था, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बंदा गेम में ऑनलाइन भी था, और जैसे मैं इसकी आईडी ओपन करता हूं यहाँ पर आप लोग देखने मिलेगा ब्लैक वाला टी शर्ट, उसके साथ में सीजन 5 का लाइट पास का कैप, ये वाला पैंट आप लोग देख सकते हो गाइस बहुत ही रेयर पैंट है, लेकिन यार ये वाला पैंट अभी आप लोग बहुत सारे बंदों के पास देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यार ये वाला पैंट का गिव अवे हुआ था बोया पे, जिस वजह से बहुत बंदों को मिल गया। और हाँ, इससे याद आएगा कि हमारा 1 मिलियन वाला स्पेशल गिव अवे भी तो होने वाला है, और उसके सारे गिव अवे विनर निकालूंगा गाइस मैं अपने फेसबुक के फॉलोअर से, क्योंकि गाइस मैं चाहता हूं मेरे जितने भी रियल सब्सक्राइबर हैं जो कि मुझे हर जगह फॉलो करके रखते हैं उन्हीं को गिव अवे मिले। देख लो गाइस अभी भी आप लोगों के पास टाइम है, अगर आप लोगों ने मुझे अभी तक फेसबुक पे फॉलो नहीं करा तो जल्दी जाके फॉलो कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। जैसे ही वहां पर 15,000 हमारे फॉलोअर्स कंप्लीट होंगे मैं अपना फेस रिवील भी कर दूंगा, उसके साथ साथ वहां पर बहुत सारा गिव अवे भी होने वाला है, जिसने भी अभी तक फॉलो नहीं कराया जल्दी जाके फॉलो करो। यहाँ पर आप लोग इसका प्रोफाइल भी देख सकते हो, 62 लेवल, 5000 लाइक, वो भी एकदम नॉर्मल है। इस आईडी को हम लोग स्किप करते हैं, हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट आईडी की ओर। गाइस ये जो आईडी होने वाली है ना वो बहुत खास आईडी होने वाली है। तो गाइस
गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये बंदा होता है वो पूरी तरीके से मर चुका है, जो उसका टीममेट था गाइस उसकी आईडी में मिलने वाली है। यार इस बंदे को मैं तो पहले से जानता हूँ, लेकिन गाइस आप लोगों ने इसकी आईडी नहीं देखी होगी तो गाइस मैं आप लोगों को इसकी आईडी दिखा देता हूँ। गाइस इसकी आईडी में कैसी चीज है जो की आप लोग जरूर देखनी चाहिए। तो गाइस जैसे मैं इसकी आईडी ओपन करता हूँ तो गाइस यहाँ पर आप लोग देखने को मिलेगा एशियन स्कार्फ, वही वाले जो बाल है यार ये तो सच्ची में बहुत बढ़िया लगते हैं। और इस बंदे के पास शायद सीजन 1 से लेकर अभी तक के सारे लेट पास है। गाइस इस बंदे का नाम है गेम चेंजर 333, वो भी मैं आपको बताऊंगा इस बंदे ने अपना नाम ऐसा क्यों रख रखा है। तो गाइस जैसे आप लोग इस बंदे के बैजेस क्लिक करोगे तो गाइस यहाँ पर आप लोग एक चीज देखने को मिलेगी, इस बंदे के सारे बैजेस हो रखे हैं 333, इस वजह से इस बंदे ने अपना नाम भी रखा है गेम चेंजर 333। ये चीज करने में गाइस बहुत ज्यादा टाइम लगता है और बहुत ज्यादा मेहनत भी लगती है, क्योंकि अगर आपका एक भी बैच ज्यादा हो गया तो गाइस आपका सारा कलेक्शन खराब हो जाएगा। बात करें इस बंदे की प्रोफाइल की तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 75 लेवल 30,000 लाइक्स, और इस बंदे की आईडी भी इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट आईडी में से एक है, क्योंकि इस बंदे की आईडी में आपको बहुत सारी पुरानी चीजें देखने को मिलेंगी। वैसे गाइस अगर ऐसी आईडी आप लोगों को मिल जाए तो आपका रिएक्शन क्या होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ। इस बंदे की स्टैट भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैं आपको बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा हूँ, अगर आप लोग देखना चाहते हो तो आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। गाइस अगर आप लोग वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं रहा तो यार क्या कर रहे हो, जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो। गाइस अभी मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाने वाला हूँ जिसके लिए आप वीडियो में शायद अभी तक बने हो। गाइस मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ अपना 2017 का गेम प्ले। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये मेरा बहुत पहले का लाइव स्ट्रीम है, जिस टाइम पे सीजन 5 का लाइट पास चल रहा था तभी मैंने लाइव स्ट्रीम करा था, और उस टाइम पे देखो यार गेम खोलने से पहले मैं गेम को स्टार्ट कर दिया करता था। गाइस यहाँ पर आपको लॉबी वगैरह सब दिखाई दे रहा हूँ ताकि यार जितने भी अभी न्यू प्लेयर है उनको भी पता चल पाए फ्री फायर यार पहले कैसा होता था। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो उस टाइम हमारे गेम के अंदर चल रहा था हेलोवीन इवेंट, जिसकी वजह से गाइस हमारे गेम के अंदर आ रखे थे बहुत सारे ज़ॉम्बी। उस टाइम पे लॉबी में जितने भी बंदे होते थे गाइस मैं सभी के मुक्के मारता रहता था, मुझे लगता था यार एक ना एक टाइम पे तो ये बंदे जरूर मरेंगे, लेकिन उस टाइम में मुझे पता नहीं था वो वेटिंग लॉबी होती है। और लिटरली इतना ज्यादा हंसा था ना मैं इस क्लिप को देख के यार, इतना ज्यादा नूब यार मैं कैसे हो सकता था उस टाइम पे। यहाँ पर आप लोग क्लियरली देख सकते हो सीजन 5 के टाइम पे फ्री फायर हमारा कुछ ऐसा दिखता था। जब मैं ये वीडियो देख रहा था ना मुझे बिलीव नहीं हो रहा था सीजन 5 के अंदर भी यार स्टैंडर्ड ग्राफिक में इतने बढ़िया ग्राफिक्स थे। वैसे गाइस मुझे तो फ्री फायर सबसे ज्यादा इस सीजन में पसंद था, आप लोग बताना आप लोगों को फ्री फायर सबसे ज्यादा किस सीजन में पसंद आया था। आप लोग देख सकते हो उस टाइम में फ्री फायर में जितने भी घास थे यार देख सकते हो कितने बड़े थे, पता नहीं क्यों बाद में इसको रिमूव कर दिया था। यहाँ पर आप लोग फ्री फायर का पुराना मैप भी देख सकते हो, उस टाइम हमारी इतनी ढेर सारी जगह होती थी जैसे कि आउटपोस्ट, रेंच, वाटर फ्रंट और भी बहुत सारी चीजें होती थी। तो गाइस यहाँ पर अभी मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ अपना सीजन 5 का सबसे पहला किल, इस टाइम मैंने अपना सबसे पहला किल करा था वो भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरे पास यार MP5 भी थी और M500 थी, लेकिन तब भी मैं M500 से मारा हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बंदे को बॉडी शॉट में मार दिया, लेकिन रुको जरा सबर करो भाई, मैं अभी आप लोगों को 2021 का गेम प्ले भी दिखाने वाला हूँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे बंदों ने मेरा 2021 का गेम प्ले नहीं देखा है। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भाई इस टाइम मैं प्रैक्टिस कर रहा था, इतना परफेक्ट नहीं हुआ था पीसी, लेकिन फिर भी ठीक ठाक गेम प्ले। आप लोग बताना गाइस आप लोगों को मेरा गेम प्ले कैसा लगा। देख सकते हो एकदम फुल एडिट करा भाई, स्लो मोशन सब जगह डाला। मैं आपको पहले ही बता दूं मुझसे पीसी में खेलना इतना अच्छा नहीं आता भाई, मोबाइल में बेटर खेल लेता हूं। तो गाइस बात अगर आईडी क्या थी तो गाइस यहां पर आप लोग देख सकते हो गाइस ये है मेरी आईडी जो कि मेरी मेन आईडी थी, लेकिन आप लोगों को पता ही कुछ टाइम पहले ये आईडी मेरी बैन हो गई थी, वो भी यार बिना रीजन के भाई, कुछ भी है कि ग्लिच फाइल मैंने यूज नहीं करा था, लेकिन उसके बाद भी मेरी आईडी बैन हो गई थी। बाकी तो यार क्या ही करता मैं यार इस आईडी को मैंने ऐसे छोड़ दिया, मैंने सोचा लेकिन जिस दिन पार्टनर प्रोग्राम में जाऊंगा गाइस उसी दिन मैं अपनी आईडी को सही कराऊंगा। यार बात सिर्फ बंडल या फिर ड्रेस की नहीं थी गाइस, इस आईडी में ऐसे बहुत सारी चीजें थी, मेरी पुरानी यादें थी इस आईडी में, और इतनी मेहनत करके मैंने अपना टीम वाइटी गिल्ड बनाया था, उसको 9 लाख ग्लोरी तक पहुंचाया था गाइस, वो भी हमारा चला गया, क्योंकि मैंने अपने गिल्ड में किसी को भी एक्टिंग गिल्ड लीडर नहीं बना रखा था, ना ही किसी को ऑफिसर बना रखा था, जिस वजह से यार हमारा पूरा गिल्ड भी चला गया। फ्री फायर में जो बंदे हैक यूज करके खेल रहे हैं उनकी आईडी तो बैन नहीं हो रही है, ग्लोबल में जितने भी बंदे बैठे हैं उनमें से आधे ज्यादा या तो हैकर के साथ खेलते हैं या फिर खुद हैकर हैं, लेकिन फ्री फायर उनकी आईडी बैन नहीं कर रहा है, लेकिन जो बंदे कुछ यूज नहीं कर रहे हैं उनकी आईडी बैन हो जाती है। बाकी यार आप क्या ही कर सकते हैं गाइस, मैं आपको अपनी नई आईडी दिखा देता हूं। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो ये है मेरी न्यू आईडी, इस आईडी का सीन कुछ ऐसा, इस आईडी में मैंने बहुत पहले गेम खेलना छोड़ दिया था, लेकिन इस आईडी को मैं दोबारा से ओपन करा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यार ये आईडी कम से कम 1 साल से ऑफलाइन थी, लेकिन उसके बाद मैंने इस आईडी को ओपन करा। यहाँ पर आप लोग हमारा न्यू गिल्ड भी देख सकते हो गाइस, अगर आपका हमारे न्यू गिल्ड में आना है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आपका लेवल कम से कम 65 होना चाहिए, तो आप लोग हमारे गिल्ड के अंदर आ सकते हो। बस यार इस आईडी में एक कमी है, इसका लेवल थोड़ा सा कम है, लाइक थोड़ी सी कम है, बाकी तो यार इस आईडी का ना कलेक्शन तो एकदम बढ़िया है। यहाँ पर आप लोग इस आईडी के स्टेट भी देख सकते हो, ज्यादा कुछ तो इसमें खास नहीं है क्योंकि आईडी बहुत टाइम से इनएक्टिव थी। और गाइस अगर आप लोग इस आईडी का कलेक्शन देखना चाहते हो तो आप लोग यूट्यूब पे से सर्च कर देना गेमिंग विद राहिम न्यू आईडी कलेक्शन, तो आप लोगों को मेरी इस आईडी का कलेक्शन देखने को मिल जाएगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखना गाइस आप लोगों को मेरी नई आईडी कैसी लगी। आज की सारी आईडीज यहीं पे खत्म हो गई है, एंड अगर आप लोगों को भी जीतना है गाइस रिडीम कोड तो जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। तो चलो गाइस आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, उम्मीद आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइस अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करना, और भी ज्यादा पसंद आई तो सब्सक्राइब भी कर देना, और मैं मिलता हूं तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।